Asalaamu As Alaikum and welcome back to my YouTube. This is mubarak Kali Khan from GSL Pakistan. I hope you're enjoying good health. In this video, I'm going to talk about aisles and a complete masterclass on IELTS will be delivered in the next 15 minutes. I'll talk about the test modules, I'll talk about test types, I will talk about which different universities or countries accept which kind of aisles. and I also talk about if you're going for an undergrad program, so what should be your required score, and if you're going for a program, so what should be your required score. Uh, इसको हम bilingual रखेंगे, for Pakistani uh, students specially, इसमें English और Urdu Dono mein baat करेंगे. IELTS basically एक international English language testing system Hai. जिसके अंदर आपकी language को assess किया जाता है, यानी कि आपकी English को assess किया जाता है. अच्छा, अब इसको assess करने की need क्या है? Why do they assess our language? क्योंकि हम अगर पाकिस्तान से हैं नेपाल से हैं बांग्लादेश से हैं श्रीलंका से हैं इंडिया से हैं भूटान से हैं नाइजीरिया से हैं आ, अगर हम ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पर इंग्लिश एज मदर टंग या एज़ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोली जाती और हम यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं माइग्रेट करना चाहते हैं यूके में यूएसए में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाती है तो वहाँ के लिए हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट क्वालिफ़ाई करना होता है जिसका नाम IELTS है अच्छा आयल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि आयल्स की वैलिडिटी क्या है फॉर एग्जांपल अगर मैं आज अपीयर होता हूँ आयलट में लेट्स से 2024 के अंदर तो क्या मेरा रिज़ल्ट लाइफ टाइम चलेगा इसका आंसर है कि ये लाइफ टाइम रिज़ल्ट नहीं होगा ये सिर्फ टू ईर्स के लिए आपका आयल्स वैलिड uh, होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैन फर्स्ट ट्वेंटी को अपीयर होते हैं तो जैन फर्स्ट ट्वेंटी तक आप इसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ओके सो दे आर टू बेसिक स्किल्स जो कि में मेरे मुताबिक होती हैं फर्स्ट इज प्रोडक्टिव स्किल एंड नेक्स्ट इज रिसेप्टिव स्किल एक में प्रोडक्शन होती है और दूसरे में रिसेप्शन होती है नाउ प्रोडक्शन प्रोडक्शन जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग समथिंग यू आर स्पीकिंग समथिंग ओर दैट इज वट वी कॉल प्रोडक्शन इन रिसेप्शन देर शुड बी समथिंग यू शुड यू शुड बी रिसीविंग फॉर एग्जाम्पल आर लिसनिंग समथिंग और यू आर रीडिंग समथिंग So, there are basically two skills, and in that sub skills, we can say it is speaking, listening, reading, and writing. Let us start with the speaking part first of all. Uh, speaking is basically generally uh, not taken on the same day if you are appearing on paper based IELTS. It connects me with the types also one is paper based IELTS, and the second one is computer delivered IELTS. So, paper based IELTS in that you write and you read in your uh, computer delivered IELTS, you basically type and then you read from the screen. Okay, so this is the difference. The result is out in three to four days. Okay, for example, you have appeared in the test, let's say on Monday, so Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, max by Friday evening, you would get your result. Okay, and in that speaking is also taken on the same day. As far as paper based IELTS is concerned,

बेसिकली ये कैम्ब्रिज का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आयल्स को स्टार्ट लिया गया और इस कैम्ब्रिज के अंदर ब्रिटिश काउंसिल और आई दो बॉडीज़ हैं जिसको आप टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज़ कहते हैं ये पाकिस्तान में भी हैं ये इंडिया में भी हैं नाइजीरिया में भी हैं जनरली वर्ल्ड में हर जगह पर होती हैं इन लोगों ने टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक्वायर किया और इन्होंने वहाँ उनके शेयर्स परचेज किए और इन्होंने अपने टेस्ट लैब और टेस्ट सेंटर्स बनाए जहाँ पर हम अपना आयल्स ले सकते हैं अच्छा अब इसके बाद क्या डेट्स इजीली अवेलेबल होती हैं तो इसका एक जनरल आंसर मैं आपको दूंगा कि कंप्यूटर लेवल आयस के अंदर जैसे कि जी एस एल एक ब्रिटिश काउंसिल रजिस्ट्रेशन सेंटर है तो हमारे पास ऑन एवरेज थर्टीन टू फोरटीन डिफरेंट डेट्स अवेलेबल होती हैं इन अ मंथ फॉर पेपर बेस्ड आयस थ्री डिफरेंट डेट्स होती हैं इन अ मंथ अब स्पीकिंग को फर्दर कंटिन्यू करते हैं स्पीकिंग के अंदर बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप वी पे जा सकते हैं या तो आप आई पे जा सकते हैं वट इज आई पी एंड वट इज वी सी आई पी इज इन पर्सन लैंग्वेज एंड वी सी इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लैंग्वेज टेस्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर तो हम दोनों सामने बैठ के बात करें तो वो इन पर्सन होगा ऐसे ही स्पीकिंग कंडक्ट होती है एग्जामिनर एंड द एग्जामी और अगर आप दूसरे एंगल से एक्सप्लोर करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर तो या दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल और उसके अंदर आप थ्रू स्काइप और थ्रू जूम और थ्रू मीट और थ्रू एनी चैनल बिच बिच काउंसिल आंसर यूज और आई डी पे उसकी बेस पर आपका वैसे आपको असेस किया जाता है अच्छा अब इसके अंदर थ्री पार्ट्स नंबर वन दैट इज़ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट इन दैट द एग्जामिनर वुड बी इंक्वायरिंग और आस्किंग अबाउट यू अबाउट यू व्हाट यू डू मे बी योर इंटरेस्ट मे बी योर हॉबीज सो यू आर एडवाइज टू आंसर इन थ्री टू फोर फ्रेजेस फॉर ईच आंसर अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो शायद आप सेकेंड क्वेश्चन को भी उसमें इन गल्फ या उसमें एड कर ले तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा बेहतर है अच्छा अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आपका आता है नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्यू कार्ड राउंड है सो इन स्पीकिंग पार्ट टू यू हैव अड हम एक स्क्रीन शॉट आपको दिखा देते हैं कि आपका क्यू कार्ड कैसे नज़र आता है इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन होते हैं मैं एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब अ पर्सन यू लाइक द मोस्ट हाउ डू यू मेट हिम वट डू यू लाइक अबाउट हिम डू यू थिंक दैट पर्सन इज़ फ्रेंडली इनाफ Would you like your friends to be like him? Yeah, it's like a, a complete cue card. after design author You have one minute. You can take your notes if you want to while preparing it, and then you speak on that for next two minutes. So this is your cue card. Based upon your cue card, you would have some discussion-based answers. So, for example, I talked about maybe uh, the best person. You know. So this the third person, the third card, or the discussion-based round would be based upon that specific thing. For example, the questions could have been, uh, "What kind of persons do you think are uh, are generally liked by the by the people around?" Or, "What are the people are best fit to be friends with?" Such kind of questions you would be seeing. Uh, so that is how it is. So overall speaking, is for 11 to 14 minutes. Okay, inside this, your fluency, your accuracy, your sort of pronunciation. Of course, accent does not matter, but pronunciation does, of course. और इसके साथ साथ आपका लेक्सिकल रिसोर्स चेक होता है यानी कि आपके वोकेबलरी आइटम्स कितने अच्छे हैं कितने स्नोनमस वर्ड्स आप पुट कर रहे हैं कितने एंटोनस वर्ड्स आप पुट कर रहे हैं कि और आपके जो स्पीकिंग स्टाइल है वो कितना रेलिवेंट है तो ये सारा का सारा आपका स्पीकिंग में काउंट होता है नेक्स्ट प्रोडक्शन स्किल में जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ राइटिंग अब राइटिंग के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं अगर तो आप जनरल ट्रेनिंग आइल्स पे अपेयर हो रहे हैं जो कि इमिग्रेशन के लिए यूज़ होता है या आ, अगर कोई जनरल पर्पज़ से आप जाना चाहते हैं तो उसमें यूज़ होता है तो उसके अंदर ख़ास तौर पे आपके पास पार्ट वन में एक लेटर होता है जिसको आपको 150 फिफ्टी वर्ड्स में लिखना होता है और पार्ट टू के अंदर एक एस होता है लेकिन एक्डेमिक के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है एक चार्ट एक ग्राफ एक डायग्राम एक टेबल या एक प्रोसेस आपको दिखाया जाता है उसको आप डी करते हैं और आपके पास अगैन वन फिफ्टी वर्ड्स की लिमिट होती है आप इसको प्लस ट्वेंटी थर्टी भी कर सकते हैं लेकिन वन फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए और पार्ट टू इनका भी यानी कि एकेडमिक के अंदर पार्ट टू भी ऐसे होता है टू फिफ्टी वर्ड्स का ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ आयल्स राइटिंग इज सिक्सटी मिनट्स इसमें कुछ डिविजन नहीं है ऐसा कोई डिविजन नहीं है कि आप ट्वेंटी मिनट्स टास्क वन को देंगे फोर्टी मिनट्स टास्क टू को दें लेकिन जनरली एडवाइस ये किया जाता है क्योंकि थर्टी थ्री परसेंट है आपके ओवरऑल अक्यूमुलेशन के अंदर पार्ट वन का स्कोर और सिक्सटी सिक्स प्लस माइनस वन परसेंट है आपके पार्ट टू का स्कोर सो इट्स टेक्निकली जनरली बेटर कि अगर आप पार्ट वन को कम टाइम दें क्योंकि उसके नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम लिखने हैं और पार्ट टू को आप मैक्सिमम टाइम दें क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स आपको ज्यादा लिखने हैं और उसकी वेटेज भी ज्यादा है अच्छा अब राइटिंग के अंदर जो असेसमेंट क्राइटेरिया है फर्स्ट ऑफ ऑल योर टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट इज चेट कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात हो रही है कार के बारे में तो क्या आप कार के बारे में बात कर रहे हैं या आप प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में तो क्या आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं और यू गोइंग टू वर्ड्स द पास्ट टेंस तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसको चेक किया जाता है इसके अंदर नेक्स्ट इज कोहिजन एंड कोहेरेंस यू कनेक्शन लिंक ऑफ टेक्स्ट विद द टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट एंड विद द कॉन्टेक्स्ट उसके बैकग्राउंड से कनेक्शन उसकी लैंग्वेज के अंदर फ्लो ये इंपॉर्टेंट है फिर लेक्सिकल रिसोर्स आपके वकैबलरी आइटम्स इसके अंदर आते हैं और लास्ट में आपके पास आफ्टर योर कोहिजन कोहेरेंस लेक्सिकल रिसोर्स और टास्क अचीवमेंट द फोर्थ इम्पॉटेंट पार्ट इज योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी आपका ग्रामर वाइज कितना स्ट्रॉन्ग आपने एस से लिखा या आपने रिपोर्ट लिखी तो दैट इज़ द पार्ट सो ओवरऑल इसके अंदर ये ही चीज़ की जाती है कि आपको ओवरऑल 60 मिनट्स दिए जाते हैं मैंने आपको मार्किंग क्राइटेरिया बताया असेसमेंट का बताया और किस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करने हैं मैंने आपको वो बताया नेक्स्ट पार्ट इज लिसनिंग पार्ट अब लिसनिंग पार्ट के अंदर आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है अगर आप पेपर बेस में जा रहे हैं तो आप पूरे हॉल में अराउंड टू हंड्रेड लोग होंगे जिनको आप आ, एक इन्फ्रा हेडफोन्स में आप एक लिसनिंग सुनेंगे और लस्निंग को आप सुनेंगे और मज़ीद आप उस पर तकरीबन फोटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिनको आप सॉर्ट करेंगे आमतौर पर पे पेपर के अंदर लिसनिंग पहले स्टार्ट होती है उसके बाद आपकी रीडिंग होती है और फिर आपकी राइटिंग होती है जिसको हम एल आर डब्ल्यू कहते हैं और आपका स्पीकिंग सेपरेट होता है उसका रेगुलर टेस्ट के साथ एल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता लेकिन कंप्यूटर डिलीवर्ड में इट इज़ कैरीड ऑन द सेम डे एंड फॉर द पेपर बीज जनरली यू हैव अ डे प्रायर टू द टेस्ट और आफ्टर द टेस्ट फॉर योर स्पीकिंग पार्ट फोर्टी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है इट कैन बी ट्रू फॉल्स इट कैन बी येस नो क्वेश्चन इट कैन बी गैप फिलिंग मैप फिलिंग इट कैन बी लेबलिंग इट कैन बी डायग्राम फिलिंग इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट कैन भी सम शॉर्ट क्वेश्चन इट कैन भी मैचिंग द हेडिंग मैचिंग द कॉलम इस तरह के सारे क्वेश्चन आप इनकाउंटर कर सकते हैं अच्छा इसके बाद आपके पास थर्टी मिनट्स की जब आपने ऑडियो पूरी सुनी ओवरऑल आपके पास फोर्टी मिनट्स टाइम होता है पेपर बेस्ड में और थर्टी मिनट्स टाइम होता है कंप्यूटर लेवर्ड में पेपर में आपने थर्टी मिनट्स में ऑडियो को सुना आंसर्स आपने लिखे अब आपके पास एक आंसर शीट सेप्रेट है जिसके ऊपर आपको आंसर्स को ट्रांसफर करना है और उसके लिए आपको टेन मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं ताकि सो दैट यू कुड ट्रांसफर योर आंसर ऑन टू आंसर शीट एज फॉर एज द इज कंसर्न वंस यू हैव बुक दी और शिफ्टेड दी आंसर सो इट इज लॉक्ट इट्स सो यू डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर ऑन टू दी आंसर शीट इसके लिए पेंसिल रिकमेंडेड होती है क्योंकि ये ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू इसको स्कैन किया जाता है उसके अंदर सिर्फ चार कोल को आइडेंटिफाई कर सकता है वो स्कैनर इसलिए आपको रिकमेंडेड होता है कि आप पेंसिल यूज करें यानी कि लेड पेंसिल यूज़ करें नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास बचता है दैट इज़ रीडिंग पार्ट नाउ रीडिंग इज मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट क्रोशल पार्ट 60 मिनट्स टाइम होता है जिसमें कोई ट्रांसफर टाइम नहीं होता नाउ यू हैव थ्री डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैसेजेस ऑन दैट आयर्स का जो एक तरीका है एक उसका एक और है वो ये है कि इट गोज फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस ये इस तरह से ये फ्लो करता है फॉर एग्जाम्पल पैसेज वन इज सपोज टू बी ईजियर इन योर रीडिंग वन टू वुड बी टफ एंड थर्ड वुड बी द टफेस्ट अब इसके अंदर आपको अपने टाइम को मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इफ़ आई एम योर ट्रेनर सो वट जनरली आई से आई से डोंट मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू पैसेजेस मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर एक्जाम्पल देर आर फोर्टी क्वेश्चन जस्ट लाइक लिसनिंग कुछ एडिशनल भी इसमें होगा यानी कि लिसनिंग में सिर्फ ट्रू yes, no तो फॉल्स yes, no, होता है तो इसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी होता है यस नो होता है अगर लिसनिंग में तो रीडिंग के अंदर यस नो नॉट गिवन भी होता तो आपके पास थ्रू आउट टाइम ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम है कि टाइम आपके पास बहुत, बहुत शॉर्ट है अब आप हाउ डू यू स्कैम हाउ डू यू स्कैन हाउ डू यू इनफर फॉर मीनिंग लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ गुड रीडर यू आर हाउ बेटर डू यू कॉम्प्रीहेंड दिवन क्वेश्चन सारा का सारा इसको कैमुलेट करता है वन क्वेश्चन इज इक्वल टू वन नंबर सो ओवरऑल यू हैव फोर्टी नंबर अकॉर्डिंग टू दैट ऑन एवरेज ट्वेंटी सेवन में अगर आप आउट ऑफ फोर्टी ले रहे हैं ट्वेंटी सेवन आउट ऑफ फोर्टी तो दैट इज रफली अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव एंड of uh, academic and 6 of general training in ki weightage mein difference let me talk again your listening is same for academic and general training your speaking is same for academic and general training your reading is apparently same but they have difficulty level different for example your academic is difficult and your uh, general training is a little easier as compared with that and for your writing part one, I mentioned writing task one of general training is a letter, and in academic it is going to be a report. And then in part two, it is the same, just like uh, an essay supposed to be written of 250 words. So that is overall about IELTS. If you have any questions, if anything is ambiguous to you, we are available in I8 Markaz Islamabad, in PWD Rawalpindi, and in Peshawar. Uh, main university road you are more than most welcome to visit us our contact is given and if you are someone who is seeing this inside the office we are official registration center of british council we can support you in ielts as well as we can help you moving abroad can be uk usa canada australia name any university name any city of the said countries we can support you with that that was umbari Kali khan thank you very much for listening may god bless you all may god uh, may you succeed in your exams and do remember gsl and me in your prayers Bye bye